एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, 50 वोल्ट के लैंप से पढ़ रहा है, पावर जिस लैंप के 50 वोल्ट है और 100 वोल्टेज का टोटल मौजूद है। अब वो अगर शाम 7 PM से 12 AM तक पढ़ता है तो बताइए कितने कूलम्ब ऑफ चार्जेस खर्च हुए। तो कूलम्ब का फार्मूला I × T होता है और I बराबर होता है पावर अपॉन वोल्टेज के। तो क्यू का एक फार्मूला हो जाता है पावर अपॉन वोल्टेज अपॉन टाइम। तो मेरे भाई पावर तो दी हुई है 50, वोल्टेज 100, टाइम 12 PM से 7 PM का अलग हो जाएगा 5, डिवाइड कर दें 5/2, 2.5 कूलम्ब। एक और बड़ा अच्छा सवाल था, रेजिस्टेंस दी हुई थी 180, करंट दिया था 50 mA, पावर पूछ रहे हैं। रेजिस्टेंस और करंट देके पावर पूछा जाए तो वो ये आंसर आता है I²R। मेरी एक प्लेलिस्ट है ट्रिक फार्मूला के नाम से, वो प्लेलिस्ट सब लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे फार्मूले याद रखने की तरकीबें करंट वोल्टेज वगैरह सब। फिर कह रहे हैं 2 एम्पेयर और 4 एम्पेयर की रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई है तो इनके करंट का रेशियो क्या होगा, मतलब 2 से मुराद 2 ओम वाली और 4 ओम वाली। तो देखो यार V=IR होता है कि नहीं, तो इस रिलेशन के तहत याद रखो कि करंट का और रेजिस्टेंस का रेशियो हमेशा उल्टा होता है, यानी 2 ओम वाली नीचे चली जाएगी और 4 ओम रेशियो 4/2 के बजाय 2:1, यानी अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो करंट का रेशियो 2:1 होगा, हमेशा रेसिप्रोकल होगा, याद रखना है बात। एक और अच्छा सवाल है, सेल्फ इंडक्टेंस 40 mH दिए, करंट 2 एम्पीयर दिए, एनर्जी पूछ रहे हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाफ एल आई स्क्वायर। जब भी एनर्जी चाहिए हो और सेल्फ इंडक्टेंस और करंट दिया हुआ। थैंक्स अ लॉट।